हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मैसूर पाक। ये है मिल्क मैसूर पाक। अभी तक आपने घी मैसूर पाक को देखा है, सुना है, खाया है, लेकिन एक बार ये मिल्क मैसूर पाक आप बना के देखिए। एकदम सॉफ्ट और इतना अच्छा बनता है कि बस मुंह में डालते ही घुल जाए, इस तरह का होता है। ये रेसिपी मैं अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, एकदम डिफरेंट स्टाइल में, ताकि एकदम बहुत अच्छा बनने वाला है ये मैसूर पाक। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं बताने वाली हूँ। तो कैसे मैंने ये बनाया, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कितना हमें लेना है, ताकि मिल्क मैसूर पाक एकदम अच्छा बने। और ये मेरी इनोवेटिव रेसिपी है। मिल्क मैसूर पाक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क पाउडर। ये 1 बाउल मिल्क पाउडर, 1 बाउल मिल्क है। और यहाँ पे ये मैंने बेसन लिया है, 1 बाउल घी, और 2 बाउल मैंने यहाँ पे शुगर लिया है। ये लिया है फूड कलर। फूड आपने येलो कलर ले सकते हैं, ऑरेंज कलर ले सकते हैं। तो ये सारी सामग्री हमें चाहिए बनाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया था। अब हम उसके अंदर मिल्क डालेंगे। मिल्क डालने के बाद जो हमने शुगर लिया है वो शुगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 बाउल। तो ये रेशियो हमें रखना है, तो हमारा जो मैसूर पाक है वो एकदम अच्छा बनेगा। यहाँ पे हमने दूध का यूज़ किया है और यहाँ पे पानी का यूज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि ये मिल्क मैसूर पाक है तो हम इसे मिल्क में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने शुगर डाल दिया है और यहाँ पे मैं इसका चाशनी बनाऊँगी। चाशनी हमें हल्की चिपचिपी बनानी है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है टिन, ये केक टिन है, इसको मैं ग्रीस कर लूँगी घी से। और आप चाहें तो प्लेट में भी जमा सकते हैं और इसमें भी जमा सकते हैं, आपके जो सूटेबल हो। और अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो इसे हिलाते हुए हमें बनाना है। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप इसको हिला रही हूँ। और अभी थोड़ा सा हम एक बाउल में ले लेंगे देखने के, चेक करने के लिए कि हमारी चाशनी थोड़ी चिपचिपी हुई कि नहीं। तो देखिए ये थोड़ा सा चिपचिपापन आ रहा है, इस तरह का हल्का सा तार आ रहा है। तो बस हाफ तार जैसा होना चाहिए और बहुत पूरा तार नहीं चाहिए यहाँ पर हमें। तो ये लगभग हो चुका है। तो इस तरह से हमने अच्छे से इसको मिला लिया है और हमारे मिल्क के अंदर ये चाशनी बन के रेडी हो चुकी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने मिल्क पाउडर लिया है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं मिल्क पाउडर ऐड कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और फिर हमें कंटिन्यूस हिलाते रहना है जब तक कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है कि जो हमारा मैसूर पाक है वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। एकदम टेस्ट एकदम डिफरेंट आता है। और जैसे ही आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस तरह से मिल्क पाउडर डाल के अगर मैसूर पाक बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने मिक्स कर लिया है और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। और इसको हमें कंटिन्यूस हिलाते हुए ही मिक्स करना है। तो देखिए मैं कर रही हूँ और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो नेक्स्ट में हमने जो बेसन लिया था उसको मैं छान लेना है, तो मैंने छान लिया है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बेसन डालते जाएंगे, हिलाते जाएंगे इस तरह से, ताकि इसके अंदर लम्स नहीं आए। तो यहाँ पर मैंने देखिए पूरा बेसन डाल दिया है और उसके बाद हम इसे अच्छे से हिला लेंगे पकड़ के, और हिलाते रहेंगे, कंटिन्यूस हिलाते रहना है जब तक कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए। तो इसी रेशियो के साथ हमें ये मैसूर पाक को रेडी करना है। तो साइड से हम हर लेते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं और इसको हमें काफ़ी देर तक अच्छे से पकाना है, जब तक कि अच्छे से पक नहीं जाए। तो अभी देखिए यहाँ पे ये हो जाए। अब यहाँ पे हम फूड कलर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फूड कलर येलो का यूज़ किया है। आपके पास जो अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं येलो या ऑरेंज। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई कलर नहीं है तो आप कोई नहीं डालें, ऐसे ही बनाएं तो भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने फूड कलर भी मिक्स कर लिया, अच्छे से मिक्स हो चुका है। उसके बाद अब हम यहाँ पे घी डालना स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ पे जो मैंने हाफ बाउल घी लिया है वो मैंने 2 2 स्पून करके मिलाती जाऊंगी। और बहुत घी का यूज हमने नहीं किया है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मिल्क और मिल्क पाउडर सभी है। तो यहाँ पे हम स्पून से घी डालते जाएंगे, हिलाते जाएंगे जब तक कि इसमें ऑब्जर्व नहीं हो जाए, फिर नेक्स्ट हम डालेंगे घी। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, और फिर जब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम घी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने करके पूरा घी डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके, और इस तरह से देखिए अब बबल्स आने लगे हैं। तो पूरा घी डाल दिया है मैंने यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। और इसका पहचान करने का तरीका है कि मिक्सचर हमारा अच्छे से परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल, और यहाँ देखिए थोड़ा कढ़ाई भी छोड़ने लगा है, मीन्स कि थोड़ा थोड़ा रेडी हुआ है। और यहाँ पे देखिए एक बाउल लिया है मैंने, बाउल के अंदर हम इस तरह से डाल देंगे और फिर थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ठंडा हो गया है और इस तरह से हाथ में आ रहा है, इस तरह से गोली बन रही है इसकी। तो मीन्स कि हमारा जो इसका तैयार हो चुका है ये, और अब और ज़रूरत नहीं है। अब हम लेंगे टिन, और टिन के अंदर घी पहले से हमने ग्रीस करके रखा है, और फटाफट हम इसके अंदर बैटर को डाल देंगे जल्दी से ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद हमें इसे स्पून के हेल्प से थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे और फिर हम इस तरह से टैप कर देंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से टैप कर दिया है। इसके बाद हमें इसको 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही कवर करके रख देना है और ये फिर सेट हो जाएगा। आप चाहें तो इस पे पहले से चाकू से निशान भी बना सकते हैं कट का, और ताकि आपको बाद में काटने में आराम हो। मैंने नहीं बनाया है, लेकिन फिर इसको देखिए आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से हो चुका है और ठंडा भी हो गया है। तो अब हम इसे कट करेंगे। कट करने के लिए हमें क्या करना है, साइड से थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से कर लेंगे ताकि निकालने में आसानी हो। और अगर आपको लगता है कि इसको डीमोल्ड करने से डीमोल्ड नहीं हो रहा है, तो आप एक बार गैस जलाएँ, गैस के ऊपर नीचे की साइड से आप रख दें थोड़ी देर इस तरह से, और फिर डीमोल्ड करें तो ये आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया है और ये एकदम आसानी से अच्छे से निकल चुका है। फिर इसके बाद हम इसे कट करेंगे, और कट करने का तरीका आपको जो पसंद हो उस तरह से आप कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लॉन्ग शेप में कट किया है, आप चाहें तो जैसे भी चाहें वैसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले निशान बना लूँगी, और पहले निशान बनाने के बाद फिर हम पूरा कट करेंगे, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर आप पहले से इसमें निशान बना लेंगे। तो इस तरह से मैं पहले निशान बना के फिर मैं कट करूँगी। तो आप देख सकते हैं और कितने आसानी से कट हो रहा है। देखिए लास्ट पीस मैंने कट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट बना है हमारा मशहूर पाक, और बहुत ही अच्छा बना है। और इसका टेस्ट तो बहुत लाजवाब होता है, जैसे ही आप खाएंगे वैसे ही एकदम मुंह में घुल जाने वाला स्वाद आता है इसमें। तो फ्रेंड्स ये मशहूर पाक रेडी हो गया है, तो मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको सर्व कर लिया है, तो ये बहुत ही अच्छा परफेक्ट बना है। आप भी इस मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपका मैसूर पाक एकदम परफेक्ट बनेगा। तो चलिए मैं एक आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो आप देखिए ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट बना है, एकदम परफेक्ट और एकदम सॉफ्ट बना है। देखिए जैसे ही हम तोड़ते हैं एकदम अच्छे से और तुरंत का तुरंत टूट जाता है। तो ये मैसूर पाक एकदम परफेक्ट बना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये मिल्क मैसूर पाक की रेसिपी पसंद आई हो, तो ज़रूर आप इस लाइक कमेंट और अपने दोस्त फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूला करिए, क्योंकि एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लाने के लिए। और अगर आपको और कोई रेसिपी की डिमांड हो तो भी बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम वो रेसिपी लेके आएंगे आपके लिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।